सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे जैसे गाइस डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, वैसे वैसे गर्भवती महिलाओं की चिंता कई गुना तक बढ़ जाती है। होने वाले बच्चे के प्रति एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन डिलीवरी सिम्टम्स को लेकर काफ़ी डाउट होने लगते हैं। काफ़ी गर्भवती महिलाएँ ये सोचती हैं कि हॉस्पिटल जाने का सही समय क्या होता है, हमें कब हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, कैसे पता चलेगा, तो इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहती हैं गर्भवती महिलाएं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, बस कुछ दिन या फिर एक ही महीना रह गया है, अब मतलब टाइम नज़दीक है, तो आपको क्या करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और कुछ पूछना चाहती हैं तो कमेंट भी कर सकती हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब डिलीवरी में कुछ ही घंटे रह जाते हैं या फिर एक दो दिन ही होते हैं ना, तो कौन से चेंजेस नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हफ्ते पहले आपको हल्के हल्के से फॉल्स लीवर पेन आ सकते हैं, बार बार यूरिन आने की दिक्कत हो सकती है, पेट के नीचे हल्का हल्का दर्द हो सकता है, चुभन जैसा प्राइवेट पार्ट में लग सकता है। तो ये लक्षण तो बहुत ही नॉर्मली है जो पहले दिखाई देते हैं, कुछ हफ्ते पहले ही दिखाई देने लगते हैं। ये लक्षण तो 8वें महीने में 7वें महीने में भी थोड़े थोड़े नज़र आने लगते हैं। लेकिन गाइस समझना ज़रूरी ये है कि जब डिलीवरी में कुछ ही टाइम बचा होता है तब क्या होता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है। तो गाइस अगर आपकी डिलीवरी में बस कुछ ही टाइम बचा है तो आपको वाइड डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है, जिसे हम म्यूकस प्लग बोलते हैं, जो बच्चेदानी के आसपास चिपटा हुआ होता है ना। जैसे ही बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स ओपन होता है, सर्विक्स माउथ ओपन होता है, तो जो म्यूकस प्लग चिपटा हुआ होता है वो बाहर निकलने लगता है, और इससे साफ पता चलता है कि आपके बच्चेदानी का जो मुँह है वो खुलने लगा है और आपकी डिलीवरी अब कुछ ही घंटों में हो जाएगी। तो ये लक्षण देखने पर आपको हॉस्पिटल जाना है। अब दूसरा लक्षण, अगर आपको तेज तेज कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, दर्द इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आप सहन नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको हॉस्पिटल जाना है। तीसरा लक्षण, अगर आपको कमर में तेज दर्द हो रहा है, कमर में तेज़ दर्द हो रहा है, उठती हैं, बैठती हैं, यहाँ तक लेटती हैं तब भी कमर में दर्द कंटिन्यू चालू है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि पानी की थैली एकदम फूट जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बच्चा पूरे गर्भ में 9 महीने तक विकसित होता है, जब वो पानी को जो थैली होती है, जब पानी की थैली का रिसाव होने लगता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड जैसा पानी प्राइवेट एरिया से बहुत ज़्यादा लीक होने लगता है, तो समझ लीजिए ऐसे केसेस में भी आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाना है। अब लास्ट टाइम पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो दिल की धड़कन होती है, बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बच्चा मूवमेंट करना स्लो कर देता है। एक तो दोस्तों स्पेस कम रहता है गर्भ के अंदर लास्ट टाइम पर, जिसकी वजह से बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती है कि आप महसूस ना कर पाएं। बच्चे की लास्ट टाइम पर जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, हालांकि थोड़ा कम हलचल कर पाता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हलचल होती है। लेकिन लास्ट टाइम पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अक्सर ऐसे केसेस हो जाते हैं कि लास्ट टाइम पर बच्चे की जो धड़कन होती है वो चली जाती है, तो हमेशा अगर आपको लगे कि बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, टाइम हो रहा है लेकिन बच्चे की हलचल कम है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है।